आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। पूरा मामला थाना नई मंडी क्षेत्र के मंडी समिति का है, जहां पर पिछले दो दिनों से हो रही बारिश के कारण मंडी के अंदर काफी जलभराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस जलभराव की समस्या से मंडी व्यापारियों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंडी क्षेत्र में व्यापारियों के ठिये लगाने की वजह से मंडी व्यापारियों के ठिये नहीं लग पा रहे हैं, जिससे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं मंडी में आए ग्राहकों को भी इस जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ता है। वहीं इस संबंध में जब मंडी सचिव आर के सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कल से बारिश हो रही थी, जिस कारण यहां पर पानी भर गया है। वैसे हम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं, जिस क्षेत्र में पानी भरा हुआ है जल्दी उसकी समस्या को समाधान कर दिया जाएगा। जी आपका नाम? मेरा नाम विपुल त्यागी। किस जगह पे आप इस वक्त मकर? हम कुकड़ा सब्जी मंडी। ये हालात रास्तों के कितने दिन से बदतर हैं और क्या है पूरा? भैया हमें तो 9 साल 10 साल करीब मुझे मंडी में ये हो गए और 10 साल से यही हालात देखते आ रहे। गंदगी, जानवर, दुनिया भर की परेशानी हम लोगों को है, कोई सुविधा हम लोगों को नहीं दी गई। तो क्या इसके बारे में आपने किसी अधिकारी को अवगत? सभी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, इसमें हम लिखित में सचिव साहब को भी करवा चुके हैं, DDA साहब को भी करवा चुके हैं, सहारनपुर भी, सब लिखित में हमने दे रखे हैं। क्या आश्वासन मिलता है? बस करा देंगे, अभी पास हुआ बता रहे, पास हुआ पड़ा है। नालियों में कोई व्यवस्था नहीं, नाली झुकी तो सब बंद है टोटल। बारिश में पूरी मंडी में आप हालात देख सकते हैं क्या है। जैसे ये बारिश में हालात खराब होते हैं, क्या इस चीज से दुकानदारों पे कुछ फर्क पड़ता है? दुकानदारों पे सारा ही फर्क पड़ता है। जब यहाँ पे कोई लेने वाला नहीं आएगा तो दुकानदार यहाँ क्या करेंगे? क्या वजह मानते हैं आप ना आने की? ना आने की ये गंदगी है और क्या है? गंदगी की वजह से खराब। बिल्कुल